आप ही सब टाइप करके बताइए यहाँ पर, यस सलोनी। बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ कि यहाँ पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम न्यू एक्स और वाई कंसीडर करेंगे। ऑब्वियसली वी नीड टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, या पी एंड क्यू, वॉट एवर यू वॉन्ट कंसिडर। तो कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं बताओ। यस बागमी, यस। बाकी स्टूडेंट्स भी बोला करो, थोड़ा सा रिस्पांस दोगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी। आर्यन, जानवी, शुभनीत, विनायक, आप किसको एक्स कंसीडर करोगे और किसको वाई कंसीडर करोगे? दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, एक है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। तो हम न्यूमरेटर को, नो आई एम शुभनीत, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट आंसर्स। एक्स और वाई की वैल्यू नहीं बतानी है आपको, वेरिएबल्स जो है एक्स और वाई वो किसको डिफाइन करेंगे वो बताना है। सी, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर की बात हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एक्स और डिनोमिनेटर को वाई कंसीडर कर देंगे। जानवी देखो, हमें पहले देखना होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि किन दो चीजों की बात हो रही है। हमें दो वेरिएबल्स एक्स और वाई चाहिए लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए, ये तो आपको पता है। अब वो एक्स और वाई हम किसको कंसीडर करेंगे वो हमें पता चलेगा क्वेश्चन से ही। और क्वेश्चन में आप ये देखोगे कि कोई दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी बात वो क्वेश्चन में कर रहे हैं। यहाँ पर वो क्या दो ऑब्जेक्ट है, एक तो न्यूमरेटर है और एक है डिनोमिनेटर। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी क्वेश्चन में बार बार बात हो रही है कि न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो वी हैव दीज टू ऑब्जेक्ट्स जिनको हम एक्स एंड वाई कंसिडर करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी एक्स ओवर वाई, न्यूमरेटर को एक्स एंड डेनोमिनेटर को वाई कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये समझ आ गया। ऑब्वियसली फ्रैक्शन है तो उसमें एक न्यूमरेटर होगा एक डेनोमिनेटर होगा, सो वी कंसीडर्ड कि जो फ्रैक्शन है वो एक्स ओवर वाई है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हमें दो सिचुएशंस देखनी है, जिसमें से एक सिचुएशन उन्होंने बोला है इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर, अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में वन ऐड कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन का मीनिंग है कि ये किसके इक्वल हो जाता है, वन के इक्वल हो जाता है। फाइन, वी हैव एक्स ओवर वाई एक फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में वन प्लस करने पर और डेनोमिनेटर में से वन माइनस करने पर जो इसकी वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, वन हो जाती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वन एज इट इज रहेगा और वाई प्लस वन की जब वन से मल्टीप्लाई होगी तो सॉरी वाई माइनस वन की मल्टीप्लाई से होगी वन से, तो ये वाई माइनस वन हो जाएगा। इस वन को इधर ले आओ या फिर वाई को इधर ले आओ तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन यहीं पर था एज इट इज और एक ये वाला माइनस वन हो गया। सो वी हैव एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास दूसरी सिचुएशन है, द फ्रैक्शन इट बिकम्स वन अपॉन टू, जो फ्रैक्शन है वो वन अपॉन टू के इक्वल हो जाता है। लेकिन कब हो जाता है, वेन वी एड वन टू दी डेनोमिनेटर, जब हम इसके डेनोमिनेटर में वन ऐड करते हैं। इस बार न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया बट डेनोमिनेटर में वन ऐड कर दिया। फाइन, इट बिकम्स वन अपॉन टू वेन वी एड वन टू दी डेनोमिनेटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, टू इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स एंड वाई प्लस वन वन से मल्टीप्लाई होकर वाई प्लस वन ही हो जाएगा। तो वी हैव टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन,
ये सेकंड इक्वेशन है। नाउ एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए आपको याद है कि हमें किसमें क्या किया है विनायक, पूछो बताओ बताओ। If you can speak, तो बोलकर बताओ मुझे। सर मैं आपसे बोल रहा था कि ये जो x plus 1 upon में y minus 1 है, तो इसके बाद आपने ये x plus 1 और y minus 1 कैसे करा नीचे? बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो जब 1 से y minus 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर y minus 1 ही आएगा, करेक्ट? और लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वन था, वो एज इट इज रहेगा। समझ आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी है आपने 8th क्लास में? सो सेम यहीं पर हमने किया, ये वाला जो डेनोमिनेटर था ये उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 1 से मल्टीप्लाई और 2 की मल्टीप्लाई x से, so we get 2x, 2 की मल्टीप्लाई x से हुई 2x और y plus 1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो y plus 1, so 2x minus y equals to 1. Now अब आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल के कॉफिशियंट्स को इक्वल करना होता है ना, तो यहाँ पर देखो y का कॉफिशियंट भी माइनस वन है, यहाँ पर भी y का कॉफिशियंट माइनस वन है, तो हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। Subtracting equation 2 from equation 1. Shubhneet, आपको समझ नहीं आ रहा है तो you can also ask questions. या कुछ response की yes समझ आ गया या कुछ नहीं आया, please respond करते रहो so that I know आप लोग at least यहाँ पर हो। Janvi, you wanna ask something? So we are subtracting. Equation second from one. Subtraction में equations के subtraction में हम क्या करते हैं? Equation के subtraction में हम left hand side से left hand side और right hand side से right hand side को subtract करते हैं। इसका left hand side इसके left hand side से subtract होगा, means x माइनस वाई में से हम माइनस करेंगे 2x माइनस वाई और इक्वल्स टू में इसके राइट हैंड साइड से माइनस 2 माइनस होगा इसका राइट हैंड साइड मींस 1। यस डिजिट्स का कॉफिशियंट नहीं, हम वेरिएबल का कॉफिशियंट देखते हैं, या तो x का कॉफिशियंट देखोगे या फिर y का। जैसे हमने x का देखा तो x का तो इक्वल नहीं था, यहाँ पर x का कॉफिशियंट क्या है 1 है और यहाँ पर x का कॉफिशियंट क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पर y का कॉफिशियंट माइनस 1 है, यहाँ भी y का कॉफिशियंट माइनस 1 है, तो हम इसको डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल अब एलिमिनेट होगा ना सलोनी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो सब्ट्रैक्ट किया हमने, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में y गायब हो जाएगा, इस ब्रैकेट को जब आप खोलोगे तो माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस वाई हो गया इक्वल्स टू माइनस टू माइनस वन कितना होता है माइनस थ्री, सो एक्स वाई से तो वाई कैंसिल हो गया, एक्स माइनस टू एक्स कितना होता है माइनस एक्स एंड इधर माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल तो एक्स इक्वल्स टू वैल्यू आई थ्री, और इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में, किसी में भी कर लेंगे। सब्सटीट्यूटिंग x equals to 3 in first में ही कर लेता हूँ मैं equation में, so यहाँ x के place पर 3 लिखा, minus y था और equals to minus 2 था, so minus y equals to minus 2 minus 3, minus y equals to minus 5, so y equals to 5, so x की value 3 and y की value 5y, जिससे कि हमारा desired fraction क्या हो गया, hence desired fraction
डिजायर्ड फ्रैक्शन मीन्स एक्स अपॉन वाई, एक्स कितना है 3 है और वाई कितना है 5 है। 2 को रिमूव हमने नहीं किया, लेट मी टेल यू कैसे हुआ वो। सी इक्वेशन फर्स्ट में से हमने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया है ना, इस वाली इक्वेशन में से हमने ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन होता है एंड राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई थी और इसकी लेफ्ट हैंड साइड 2x माइनस वाई थी। जब इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 2x कितना होगा, x माइनस 2x माइनस x होगा है ना, 2x में से 1x माइनस करोगे तो आप x ही आंसर आएगा। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, जिससे आपके पास x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो यू विल गेट y की वैल्यू एंड हमें डिजायर्ड फ्रैक्शन मिल जाएगा x अपॉन y दैट इज इक्वल टू 3/5। अभी इसको स्टेप बाय स्टेप देख लो एक बार, एंड ऑनलाइन है तो इसका मीनिंग ये नहीं आप नोट नहीं करोगे, प्लीज कीप नोटिंग ऑल द सॉल्यूशंस, बिकॉज आपको रजिस्टर मेंटेन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपके लिए भी होगी और मेरे लिए भी। इट्स नेसेसरी कि आप रजिस्टर मेंटेन करके रखो, ये नहीं करना कि चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बाद में देखेंगे, नो बाद में कभी नहीं हो पाता है, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। सो आई विल एडवाइस कि आप अभी इसको नोट करो, एंड स्टेप बाय स्टेप जब नोट करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि आपको कहाँ पर डाउट है और आप तभी पूछ भी सकते हो मेरे से। जो भी स्टेप में अभी भी डाउट है आपको वो पूछ सकते हो। जागृति आप भी नोट कर लेना, अभी समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत तो आया होगा आई एम श्योर, पूरा नहीं आया होगा, तो जितना आता है अभी उसको समझो, बिकॉज टॉपिक बीच में से है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि पूरा टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट फिलहाल इसको कर लेना नोट। श्योर पूछो। जानवी 2 क्यों हटा दिया ये बताना है, 2 कैसे हटाई ये बताना है। सी एक बार मैं दोबारा करता हूं इसको, यहां से इक्वेशंस जो बनाई थी वो तो आपको समझ आ गई, इक्वेशंस कैसे बनी वो समझ आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को। मैं पूरा ही दोबारा से कर रहा हूं यहां से, जिससे कि आपको और सही से समझ में आ जाए। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट तो करना आपको आता है इक्वेशंस को, जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हम क्या करेंगे, 2x माइनस वाई जो कि सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई, करेक्ट, और फिर हम सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड में से माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड। ये समझ आ गया स्टेप, लेफ्ट साइड्स राइट साइड्स, गुड। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 2x माइनस वाई ये हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2। सो यहां पर अब आप ही बताओ 2x माइनस 1x कितना होगा, 2x माइनस 1x कितना होता है। यस विनायक, जानवी आप भी बताओ 2x माइनस 1x कितना होता है। यस सलोनी,
जानवी, x होता है तो 2x माइनस x हम x लिखेंगे, माइनस y एंड प्लस y कितने होता है, माइनस y में प्लस y करोगे तो कितना आंसर आएगा? यस विनायक, यस सलोनी, यस जानवी। सो ये तो जीरो हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू में क्या बचा, यस शुभनीत, टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री हो गया। सो वी हैव x की वैल्यू, x इक्वल्स टू थ्री, गॉट इट। गुड, शुभनीत समझ आया कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करें? एटलीस्ट ये समझ आया, आई कैन अंडरस्टैंड कि इक्वेशंस फॉर्म करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। स्टिल अगर इक्वेशन फॉर्म करने में देखो आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप सोच रहे हो कि ये नहीं होगा तो आगे का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो प्लीज ये मैं आपको बोलूंगा कि इक्वेशन का जो पार्ट समझ नहीं आ रहा है उसकी वजह से उस पार्ट को मत मिस करो जो पार्ट आप समझ सकते हो। गुड विनायक, गुड सलोनी, ठीक है। तो अगर आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी अभी नहीं आ रही हैं, ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, बट उनको फिर सॉल्व कैसे करना है वो आपको आना चाहिए, वो तो आप समझ सकते हो। ये वाला पार्ट सिर्फ कैलकुलेशन का है, इसमें आपको फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, हो गई है, अच्छी बात है, उसके बाद में हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्यूशन जो है यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट ये डिफरेंट है और इक्वेशन की फॉर्मेशन बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसके वजह से ये वाला पार्ट स्किप नहीं करोगे। अगर ये समझ आ रहा है तो अभी इसको समझो, इसको फिर हम प्रैक्टिस करेंगे तब और समझ में आ जाएगा। फाइन, सो एक्स की वैल्यू थ्री आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में, पुट इन एक्स इक्वल्स टू थ्री। ओके विनायक, कैलकुलेशन नहीं आ रही, कैलकुलेशन के लिए फिर तुम्हें थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत होगी। फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया x के प्लेस पर, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, तो x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 3 माइनस वाई एज इट इज माइनस टू। यहाँ 3 पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा, सो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू एंड माइनस थ्री माइनस फाइव होता है, दोनों साइड्स को माइनस से डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया तो y की इक्वेशन आ गई 5, या आप कह सकते हो y माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो वी हैव वाई, वी हैव एक्स, हमारा जो फ्रैक्शन था वो था एक्स अपॉन वाई, तो एक्स के प्लेस पर एक्स रखा विच इज 3 एंड वाई के प्लेस पर वाई विच इज 5। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो क्वेश्चन में बोला था कि न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड करें और डेनोमिनेटर में से 1 माइनस करें तो इट रिड्यूसेस टू 1, ये 1 बन जाता है, क्या इसका आंसर 1 आएगा? देखो 3 प्लस 1 क्या होता है 4, 5 माइनस 1 भी 4 होता है, कैंसिल होकर आंसर क्या आया 1 आया, जो कि क्वेश्चन में बोला था इट रिड्यूसेस टू 1। सेकंड सिचुएशन में उन्होंने बोला था कि ओनली डेनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 1/2, तो देखते हैं क्या ये 1/2 हो पाता है। यस, ये 1/2 हो रहा है, दैट मींस हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। ये आपको वेरिफिकेशन दिखाना नहीं है, ठीक है, वेरिफिकेशंस आपको तभी दिखाने जब क्वेश्चन में पूछा जाए। हाँ, तो उसको फिर ध्यान से देखो कि मैं जो बोलता हूं दो सिचुएशन दो वेरिएबल उसको माइंड में रखो, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है। अभी फिलहाल मुझे बताओ कि क्या इस क्वेश्चन में किसी को और कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछो, सभी को जवाब देना है इफ यू वांट, तो मैं सबके नाम भी ले सकता हूं। जानवी, रिधिमा, शुभनीत, वाग्मी,
ओके, डाउट है पूछो, क्या डाउट है? हाँ विदाउट हेजिटेशन अपने डाउट पूछ सकते हो। ओके, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि डाउट्स हैं या नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शुभनीत, आई एम आस्किंग, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ओके, प्लीज ध्यान रखना कि आप ये क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को नोट करते रहो। अगर डाउट्स अभी नहीं है, हो सकता है आपको अभी ना दिख रहे हो सकता है बाद में देखोगे तो आपको पता चले, तो आप जब मुझसे पूछने आओगे डाउट्स, तो आपके पास में ये सॉल्यूशन होना चाहिए कि सर मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया। आप ये कहोगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो एक अलग चीज होती है कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, और आप जब ये पूछोगे कि सर ये क्वेश्चन तो करा था हमने लेकिन इसमें ये स्टेप समझ नहीं आया, वो एक अलग चीज होती है। तो आप जिस लेवल पे हो, 10th लेवल में, हम जो स्टेप्स होते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। आप स्टेप्स को समझने की कोशिश करोगे, पूरा क्वेश्चन, होल क्वेश्चन एक साथ ग्राफ करने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप ये देखो कि आपको मुश्किल कहाँ पर आई, बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि हमें तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर ये समझ आ गए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो आप सेकंड स्टेप पर आओ कि क्या आप उसमें से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर पाए या नहीं कर पाए, जिनको आप एक्स और वाई कंसीडर करोगे। अगर वो भी समझ आ गया तो आप सिचुएशंस को देखोगे कि आपको वो सिचुएशन समझ आई या नहीं आई जो क्वेश्चन में मेंशन है, और उससे आप इक्वेशन बना पाए या नहीं बना पाए। वो भी अगर समझ आ गया तो उसके बाद में फिर आता है कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट में समझ में ना आने वाली चीज कुछ होती नहीं है, बिकॉज कैलकुलेशन आपको आती है, प्लस करना आता है, माइनस करना आता है, डिवाइड, प्रोडक्ट, सब कुछ आता है। तो उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो दैट मीन्स आपका कैलकुलेशन पार्ट वीक है और आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है। यू कैन आस्क मी योर एरर्स कि सर हमने यहाँ पर क्या गलती करी है, बट करोगे अल्टीमेटली आप ही। मैं आपको बता दूंगा कि आपने यहाँ पर ये करा है तो उसको दोबारा से करेक्ट आप ही करोगे, बट अगर आप ये कहोगे सर इसका सॉल्यूशन लिख कर दे दो, हमें समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, दैट्स नॉट गोना हैपन। करना तो आपको ही पड़ेगा। आई विल हेल्प यू, चाहे आपको हर एक स्टेप पर मुझे गाइड करना पड़े, बट करोगे आप ही। फाइन, आप कभी ये नहीं कहोगे सर इसका सॉल्यूशन बता दो क्या होगा क्वेश्चन का। नो, आप अपनी तरफ से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाएंगे, जितना भी आता है, जैसा भी आता है, गलत सही जो भी है, फिर आप पूछोगे सर ये क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ दी, नहीं इससे नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला तो एज वाला ही है, वो तो इजी क्वेश्चन है जो आप पहले भी कर चुके हो। एज वाले दो तीन क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, आई एम श्योर उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। So, ये है एज वाला क्वेश्चन, नूरी एंड फाइव इयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइस, है ये नॉट थ्राइस, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो कौन कौन है, किस किस की बात हो रही है बताइए, किस किस की बात हो रही है, नूरी और सोनू की, और उनकी किस बारे में बात हो रही है, एजिस के बारे में। तो हम प्रेजेंट एज को, जब भी एज का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा प्रेजेंट एज की ही, एज को ही कंसीडर करना है। अच्छा एक बात बताओ, किस किस को वॉइस ब्रेक आ रही है? आई डोंट नो, किस किस
ओके, जानवी को एज क्लियर है तो रिधिमा को भी एज नहीं, सॉरी मेरी वॉइस क्लियर है। प्लीज जिसको फिर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है वो या तो नेटवर्क एक बार चेक कर लो या थोड़ा सा इधर उधर बैठ कर देख लो इफ इट्स वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार अपने एंड पर चेक करके देख लीजिए। ठीक है, एक बार प्लीज नेटवर्क चेक कर लो बिकॉज इधर से काफी मोस्टली बच्चों को तो क्लियर है आवाज, तो मींस यहाँ से आवाज ठीक जा रही है, तो प्रॉब्लम इज एट योर एंड। अगर सभी को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है देन इट्स माय फॉल्ट, मतलब मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, बट यहाँ से मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लियर जा रही है वॉइस, तो आई विल सजेस्ट कि एक बार आप अपनी तरफ से चेक कर लो नेटवर्क इश्यू। सो यहाँ पर हम नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज को कंसीडर करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स। ठीक है, नाउ उन्होंने क्या बोला है देखो, पहले उन्होंने बात करी है 5 ईयर्स अगो की, तो 5 ईयर्स अगो नूरी की एज क्या होगी, 5 ईयर्स अगो मींस 5 साल पहले नूरी की एज होगी एक्स माइनस फाइव एंड सोनू की एज होगी वाई माइनस फाइव। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि 5 ईयर्स अगो जो नूरी की एज थी मींस एक्स माइनस फाइव वो थ्राइस थी मींस 3 टाइम्स थी, किससे, सोनू की एज की। 5 ईयर्स अगो नूरीज एज वॉज थ्राइस ऑफ एज ओल्ड एज सोनूज एज। फाइन, तो इसको हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, 3y-15 दैट गिव्स अस एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू -15 + 5, सो एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू -10। ये फर्स्ट इक्वेशन है। पहले आप सब ये बताओ कि फर्स्ट इक्वेशन को फॉर्म करने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो समझ नहीं आया हो प्लीज आस्क मी। फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करी, उसको फॉर्म करने में आपको क्या प्रॉब्लम आई या क्या डाउट आ रहा है मन में वो पूछो, कि हमने 5 क्यों माइनस किया, यू कैन आस्क मी। हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों करी सोनू की एज में, यू कैन आस्क मी। हमने एक्स और वाई क्यों कंसिडर किया, क्लियर है, स्टिल यू कैन आस्क मी। तो जो भी डाउट है प्लीज इसमें पहले पूछो। यस आस्क मी प्लीज। शुभनीत, इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया जानवी, देखो क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट थी, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, करेक्ट ये लिखा था। सो यहां पर नूरी 5 ईयर्स पहले नूरी कितनी थी, एक्स माइनस फाइव। वॉज का मीनिंग मैंने बताया था, वॉज इज विल शैल जो भी है उसका मीनिंग होता है इक्वल्स टू। नूरी वॉज
थ्राइस मीन्स थ्री टाइम्स ऑफ सोनूज एज, जितना उस वक्त सोनू था, मीन्स वाई माइनस फाइव. नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू वॉज देन. गुड, तो ठीक है, थ्री से इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया. सो इसमें कोई डाउट नहीं, शुभनीत समझ आ गया, प्लीज बता दिया करो. आर्यन, बोला करो, मुझे ये लगेगा वरना सो रहे हो तुम क्लास में. हाँ, माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट मैं मोस्टली तब करता हूँ जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ. अगर आपको कोई डाउट है तो आप टाइप कर सकते हो, अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी टू अनम्यूट यू, और एल्स नेक्स्ट क्लास से मैं सभी को अनम्यूट ही रखूंगा. मैं अपनी तरफ से अनम्यूट रखूंगा, आप अपनी तरफ से म्यूट रखना, और जब जिसको क्वेश्चन पूछना हो तो एक एक करके आप अपने आप अपने को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है. आई डोंट वॉन्ट कि सब एक साथ मिक्सअप होके पीछे से, ऑब्वियसली घर में बैठे तो आवाज आ सकती है कुकर की, टीवी की, मम्मी पापा की बात करने की, तो दैट्स व्हाई मैं म्यूट रखता हूँ. ओके विनायक, लेट्स सी. चलो नेक्स्ट वाले इक्वेशन के लिए, नेक्स्ट वाली सिचुएशन पे चलते हैं. नेक्स्ट वाली सिचुएशन में व्हाट दे आस्क कि 10 years later, पहले आप ही मुझे बताओ नूरी की एज क्या होगी. शुभनीत आप बताओ नूरी की एज क्या होगी, अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो 10 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, आफ्टर 10 years उनकी एज कितनी होगी. शुभनीत, शुभनीत, जानवी, चलो सभी बताओ. ओके ओके शुभनीत, गुड, ठीक है, करेक्ट, यस. सो नूरी की एज एक्स प्लस 10 होगी, एंड व्हाट अबाउट सोनू की एज, सोनू की एज क्या होगी, अगर अभी प्रेजेंट में वाई इयर्स है तो आफ्टर 10 इयर्स उनकी एज कितनी हो जाएगी. यस, वाई प्लस 10, करेक्ट. सो अब आते हैं क्वेश्चन पे. उन्होंने बोला आफ्टर 10 इयर्स नूरी विल बी कितना, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी विल बी, आप ऐसे सेंटेंस मन में सोच सकते हो या लिख भी सकते हो, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. ये सेंटेंस आप लिखो और उसको मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट कर दो. नूरी के प्लेस पर 10 इयर्स बाद की बात हो रही है तो नूरी की 10 इयर्स बाद वाली एज. विल बी मैंने अभी बताया था कि विल बी शैल बी सब वॉज सब इक्वल्स टू पे इक्वल होते हैं. ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, एज ओल्ड एज सोनू मीन्स सोनू की एज, ठीक है. सो ओके विनायक, लेट्स सी. x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, 2 की मल्टीप्लाई हो गई, y को इधर ले आए और 10 को उधर ले गए, तो 20 माइनस 10 10. दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. अब मुझे सभी, सभी का मतलब लिटरली सभी, ये बताओ कि हम इन दोनों इक्वेशंस में क्या करेंगे, क्या हमें किसी कोफिशिएंट को इक्वल करने की जरूरत है, क्या हमें किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, या हम डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नो, ओके विनायक, और कोई बताओ इन दोनों इक्वेशंस में. ओके जानवी, क्या करेंगे बताओ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे या क्या करेंगे. ओके सलोनी, ओके वाग्मी, जानवी आप बताओ क्या करने की जरूरत पड़ेगी. Yes. तो फिर क्या करें, डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन इक्वेशंस को. शुभनीत आपने जवाब नहीं दिया, शुभनीत और आदर,
आर्यन तो चुप बैठे हैं, आर्यन आवाज आ रही है तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करो सो डेट आई नो यू आर देयर इन क्लास। ओके सर, तो जवाब भी दिया, आपको समझ भी आ रहा है या नहीं क्वेश्चंस? ठीक है, तो हमें यहां पर देखो एक्स का कॉफिशियंट वन है, यहां भी एक्स का कॉफिशियंट वन है। शुभनीत समझ आ गया? ठीक है, तो हम यहां सिर्फ क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बिकॉज दोनों के साइन सेम ही है। सो सब्ट्रैक्टिंग, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कुछ भी कर सकते हो आप। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को कर रहे हैं तो सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड में से हम माइनस करेंगे फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड, और सेकंड के राइट हैंड साइड में से हम माइनस करेंगे फर्स्ट का राइट हैंड साइड। ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अदरवाइज साइन की गड़बड़ हो जाएगी। सो एक्स माइनस टू वाई माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू 10 माइनस माइनस प्लस 10। सो वी गेट एक्स माइनस एक्स तो हो गया 0, 3y माइनस 2y बचा y एंड 10 प्लस 10 हो गया 20। सो वी हैव y की वैल्यू। नाउ वी विल पुट दिस y की वैल्यू इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। पुटिंग y इक्वल्स टू 20 इन फर्स्ट में या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। x के प्लेस पर x माइनस 3 के प्लेस पर 3 और y के प्लेस पर 20 इक्वल्स टू माइनस 10। एक्स 23s आर कितने होते हैं, 60 माइनस 10, ये 60 माइनस का है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू आ गया 60 माइनस 10 कितना होता है, 50। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि नूरी की एज जो है प्रेजेंट वो तो है 50 इयर्स और सोनू की प्रेजेंट एज है 20 इयर्स। नूरी इज प्रेजेंट एज इज 50 इयर्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज, अब मुझे बताओ इसमें मैंने कहीं गड़बड़ करी है क्वेश्चन में, इज कितना, 20 इयर्स। सर आपने क्वेश्चन लिखा है वन फ्रॉम टू, हाँ टू में से वन को माइनस करा है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा है। अगर मैं आपको बोलूं सब्ट्रैक्ट थ्री फ्रॉम फाइव तो आप पहले इसको 3-5 लिखोगे या 5-3, टेल मी। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5 का मीनिंग 3-5 होगा या 5-3, जानवी बताओ आप। ठीक है सलोनी, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5 का मीनिंग क्या होगा? नो विनायक, 5 में से 3 माइनस करने हैं। यस जानवी, सो फ्रॉम के बाद की जो वैल्यू होती है वो पहले लिखी जाती है हमेशा, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बाद में लिखी जाती है। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 लिखा है दैट मीन्स 1 वाला जो पार्ट है वो माइनस के बाद आएगा और 2 वाला जो पार्ट है वो माइनस से पहले आएगा। फाइन विनायक, 5-3 होगा। ठीक है, हम 5 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, 3 में से 5 को नहीं। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हमेशा माइनस के साइन से पहले आएगी। जानवी समझ आ गया तो ये क्यों किया ऐसा? लिखा तो 1 फ्रॉम 2 था है ना? यस, तो ये ध्यान रखना। अब हमारे पास दोनों की एजेस आ गई तो प्लीज बताओ इसमें और किसको क्या क्या डाउट है। इस
क्वेश्चन में किसी को कुछ और डाउट है तो पूछो, अगर समझ आ गया तो सभी यस बोल दो, एक बार लिख दो, मतलब यस 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 यस। कूल, और घबराना नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है आप कम से कम अक्टूबर नवंबर तक 3 बार तो करोगे ही, अगेन एंड अगेन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा समझ आया, फिर सेकंड टाइम में और समझ आएगा, फिर थर्ड टाइम में बिल्कुल समझ आ जाएगा। फाइन, तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना, आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन तो इधर उधर होता रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसका जो बेसिक है वो आपको समझना होगा, हालांकि आप 8th क्लास में कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, और अगर आपको याद होगा इसके बारे में तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व भी कर लोगे। 2-digit number से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइन्थ वाले बच्चे अभी बैठे रहो, 5 o'clock स्टार्ट होगी क्लास। चलो पहले इसको समझते हैं कि 2-digit number होता क्या है। 2-digit number तो सभी को पता है, 11, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पर खत्म हो जाते हैं। 2-digit number सपोज करो, एक 2-digit number है 52, तो इसमें जो 2 है वो कौन से प्लेस का डिजिट कहलाएगा, 2 कौन से प्लेस का डिजिट है, डिजिट प्लेस वैल्यूज तो आपको पता होगी। यस सलोनी, और बच्चे बताओ स्टूडेंट्स, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट या फिर वंस प्लेस डिजिट, एक ही बात है। एंड 5 जो है वो कौन से डिजिट का प्लेस है, कौन से प्लेस का डिजिट है, सॉरी, यस ये है 10th प्लेस डिजिट। फाइन, वार्निंग, 10th जो होता है ना, 10th तो सही है बट 10th जो होता है वो 0.1 जो होता है, डेसिमल के बाद का जो फर्स्ट होता है वो 10th होता है, ठीक है, जब TH लग जाता है तो वो डेसिमल में हो जाता है, 10th का मतलब हो गया 1/10, यस 10th, फाइन। सो अब जब हमारे पास 2-digit का कोई नंबर होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा था 2-digit का नंबर की फॉर्मेशन, ये प्लीज लिख भी लेना और ध्यान भी देना, जब भी 2-digit number का कहीं भी जिक्र आएगा तो उसमें ऑब्वियसली 2 digits होंगे, एक वंस प्लेस का और एक 10th प्लेस का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फॉर्मेशन का, कोई भी 2-digit number इस तरह से बनता है, 10 into 10th place digit प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। हाँ मैं तो बताऊंगा, देखो जब भी कोई 2-digit का नंबर होता है वो इस तरह से बनता है, 10 में तो होती है 10th place digit की मल्टीप्लाई एंड उसमें फिर यूनिट प्लेस डिजिट ऐड किया जाता है, जैसे 52 है तो 52 कैसे बना होगा, जब हमने 10 की मल्टीप्लाई 5 में करी होगी 10th प्लेस से और उसमें यूनिट प्लेस डिजिट ऐड किया होगा, 10 into 5 50, 50 + 2 कितना हो गया 52। तो कोई भी 2-digit वाला नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि नंबर की जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से होगी। यस सलोन, तो अभी इसको देखते हैं, पहले इसमें देखें कि हमारे 2 ऑब्जेक्ट क्या है। देखो 2-digit number है तो हमारे को 2 digits को x और y कंसीडर करना पड़ेगा, लेट x बी 10th place digit
एंड वाई बी वंस प्लेस डिजिट, या फिर आप डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। जब भी टू डिजिट नंबर की बात हो तो आप ये कंसीडर करोगे, जहां पर x तो है 10th प्लेस डिजिट एंड y है यूनिट प्लेस डिजिट, उसके बाद में आप ये लाइन लिख दोगे वेयर x बी 10th प्लेस डिजिट एंड y बी 1st प्लेस डिजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको ध्यान रखना कि जब भी टू डिजिट नंबर का कोई भी क्वेश्चन आए आपको वो टू डिजिट नंबर इसको कंसीडर करना है 10x प्लस वाई को। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में जब डिजिट्स की बात हो रही है तब आप सिर्फ x एंड y को कंसीडर करोगे, और जब नंबर की बात हो रही है तो आप 10x प्लस y को कंसीडर करोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, वेयर सम ऑफ डिजिट्स इज 9, सम ऑफ डिजिट्स किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। तो डिजिट्स हमने क्या कंसीडर करें, एक्स एंड वाई, ये नहीं कंसीडर करना है, यहां पर आपको डिजिट्स को कंसीडर करना है। जब डिजिट्स की बात हो तो आप एक्स और वाई को कंसीडर करोगे कि दोनों एक्स और वाई का जो सम है वो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, मींस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन इज इजी, यस जानवी, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के बाद लिखनी है, या आप खाली ये भी लिख सकते हो उसके बाद में, हेंस नंबर बी 10x प्लस वाई, ये भी लिख सकते हो। बस ध्यान रखना डिजिट्स को x और y कंसीडर करना है और नंबर को 10x प्लस y कंसीडर करना है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां पर डिजिट्स की बात हो वहां डिजिट्स के ऊपर ऑपरेशन करना है, जहां पर नंबर की बात होगी वहां हम नंबर के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, जो कि अब हम करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने सिर्फ डिजिट्स की बात करी थी कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 के इक्वल है, मींस x y का सम किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, तो वो हमने लिख दिया। ऑल्सो फिर उन्होंने ये बोला कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अब नंबर की बात हो रही है, 9 टाइम्स, ये ध्यान से देखना स्टेटमेंट, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस the number obtained by, इसको हटा देता हूं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखते रहना, एक बार में समझ शायद ना आए, ट्वाइस द नंबर obtained by reversing order ऑफ डिजिट्स, ये स्टेटमेंट लिखी है ना, तो इसको देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स का मीन्स 9 की मल्टीप्लाई किससे, दिस नंबर, नंबर हमने क्या कंसीडर किया था, 10x प्लस वाई, इज इसका मीनिंग होता है इक्वल्स टू, ट्वाइस का मीनिंग होता है टू टाइम्स किसका है, टू टाइम्स है ऐसे नंबर का जो इस नंबर के डिजिट्स को के ऑर्डर को रिवर्स करके मिला है, मींस पहले जहां x था वहां पर y आ गया और जहां पर y था वहां पर x आ गया, इस नंबर का ट्वाइस है। रिवर्सिंग दी ऑर्डर वाला क्वेश्चन आपने एट में भी करा था अगर याद हो तो, जब भी रिवर्सिंग दी ऑर्डर ऑफ डिजिट्स करते हैं तो जो हमने नंबर कंसीडर किया है उसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, जहां पर x है वहां पर y लिख देते हैं, जहां पर y है वहां पर x लिख देते हैं। तो वही चीज उसने बोली है कि इस नंबर का 9 टाइम्स जो होगा, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ऐसे नंबर का ट्वाइस होगा
जो इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करके हमें मिलेगा। नंबर तो हाँ जो आपने कंसीडर किया है वही लोगे, लेकिन रिवर्सिंग द डिजिट्स वाला जो नंबर है वो इसका ऑपोजिट होगा, मीन्स जहां पर एक्स है वहां पर वाई और जहां पर वाई है वहां पर एक्स, ये रिवर्स्ड डिजिट वाला है। ठीक है, नंबर ये होगा ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करके जो नंबर बनेगा वो ये होगा। तो जहां पर रिवर्स वाले नंबर का मेंशन किया गया है वहां पर आप इसको पुट करोगे, जहां पर ओनली नंबर लिखा है वहां पर इसको पुट करोगे। दैट्स व्हाट आई डिड, 9 times दिस नंबर बोला था तो मैंने दिस नंबर के प्लेस पर ओरिजिनल नंबर रखा। इफ ट्वाइस का मीनिंग टू से मल्टीप्लाई किसकी, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मींस ये वाला नंबर इसका ट्वाइस। यही इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में। आपने अगर 8th में ध्यान से करी थी तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट 8th बहुत पहले करा था और आप भूल भी गए होगे, सो आई कैन अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एक बार में समझ ना भी आए तो आपको इसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमें तो समझ ही नहीं आया, बेकार क्वेश्चन है या फिर हम नहीं समझ पा रहे। ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन एक बार में ना समझ आए, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स पर ध्यान देना है। आप खुद से अगर इस स्टेटमेंट को पढ़कर, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे, कीपिंग दिस इन योर माइंड कि 2 digit का नंबर कैसे फॉर्म होता है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लोगे। आई एम श्योर इतना मुश्किल नहीं है, बस आपके माइंड में एक यही चीज रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स वाला कॉन्सेप्ट और नंबर 2 digits का कैसे फॉर्म होता है ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको आप थोड़ा सा क्लियर करोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई नहीं होगी। सो लेट्स मल्टीप्लाई देम, 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। यस, एक्स वाले एक तरफ बिना एक्स वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा 90x माइनस और वाई वाले भी इधर ही ले लो आप चाहे तो, प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आएगा 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0। दोनों साइड्स को आप 11 से मल्टी डिवाइड कर सकते, 11 से डिवाइड इसलिए जिससे कि ये थोड़ी सी छोटी हो जाए इक्वेशन। तो यहां पर आ जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आपके पास 2 equations हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या होगा, y से y हट जाएगा। यस बारमी, ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में फिर से तुम्हें समझा दू अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल ये इक्वेशन आप लिखो, ये 2 equations और ये वाली और फर्स्ट वाली, इनको सॉल्व करके आप बताओगे कि आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्लास में आप खुद बताओगे, एक बार इसको खुद सॉल्व करके देखोगे और फिर मुझे बताओगे कि आंसर ये आया था या फिर आंसर नहीं आ पाया या फिर हमें समझ नहीं आया, तो आप मुझे बताओगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसा एक और क्वेश्चन दूंगा आपको। हाँ कोई बात नहीं सलोनी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो आप, हालांकि ये एलिमिनेशन से करना है बट कर सकते हो ऐसे भी। x इक्वल्स टू y अपॉन 8 आएगा तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही 2-3 questions मैं करवाऊंगा जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगेन नहीं समझ आया है तो घबराना नहीं है, ये मत सोचना कि ऑनलाइन की वजह से समझ नहीं आया है,
ये क्वेश्चन ऑफलाइन में समझाता तब भी आपको बस उसमें थोड़ी ये लिबर्टी होती कि आप मुझे हर एक स्टेप पर हर एक वर्ड पर रोक सकते थे कि सर ये बता दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में आप वो भी कर पाओगे जब मैं आपको अनम्यूट करके ज्वाइन करने दूंगा। आपको जो भी लाइन में प्रॉब्लम होती है आप तुरंत के तुरंत मुझसे पूछ सकते हो सो डैट कि आपको हर एक स्टेप क्लियर रहे। फाइन, सो आज जितने क्वेश्चंस करे अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप प्लीज इनको अभी के अभी रजिस्टर पर खुद करके देख लेना। नॉट सो मच क्वेश्चंस, आपने अभी ओनली 3 questions करे हैं, 3 questions आप कर सकते हो इजिली, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको समझ आ गया है। उसमें से भी ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं समझ आया हो तो इसको जितना कर सकते हो उतना करना और बाकी स्किप कर देना। यस, मैंने रिकॉर्ड किया है और मैं इसको अपलोड कर दूंगा और लिंक भेज दूंगा, सो डोंट वरी। आप बार बार देख सकते हो बट कई बार ऐसा होता है रिकॉर्डिंग से नहीं आता समझ में, तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि जाके रिकॉर्डिंग देखो या रिकॉर्डिंग से ही समझो। फाइन, रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए है कि मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, जब मन करे आप तब उसको चेक कर सकते हो। और उसमें से कई बार कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको समझ आ जाएंगे। यस सलोनी, लेकिन वो प्रीवियस ईयर वाले हैं, उसमें से कुछ चेंजेस हैं, दैट्स व्हाई उसको मत देखना, जो प्रीवियस ईयर वाली रिकॉर्डिंग है अब उनको मत देखना। 11 से मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चे, 11 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 11 से डिवाइड किया। मैं डिटेल शेयर कर दूंगा जानवी ग्रुप पर ही। यहाँ पर 11 से डिवाइड किया जिससे छोटी हो जाए इक्वेशन। आप ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, उससे भी प्रॉब्लम नहीं होगी विनायक। ऐसे ही आप इक्वेशन से सॉल्व करोगे तब भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यस, मेथड वैसे बुक में लिखा है सब्स्टिट्यूशन, उससे करना है, एलिमिनेशन से। अगर नहीं लिखा है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यस, नाउ यू मे लीव। 10th वाले बच्चे जा सकते हो, 9th वाले बच्चे आ गए हैं, वेलकम। यू वेलकम, बाय। 9th वाले स्टूडेंट्स प्लीज, कौन कौन है लेट मी सी। मुकुंद, संस्कृति, शिल्स, सौम्या, तन्वी एंड यश। ओके, बाय बच्चे, सेम टू यू। ओके, 9th वाले स्टूडेंट्स देखो, तुमने जो क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के करे थे वो तो ठीक थे, जो क्वेश्चंस हमारे बचे थे वो मैं आपको ऑफलाइन में कराऊंगा क्योंकि वो मोस्टली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं और थोड़े से एक्सप्लेनेशन वाले हैं, तो उनको अभी होल्ड पर रख दो, फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए आई थिंक कि पर्सनल इंटरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, आपको बार बार पूछना भी पड़ेगा और मुझे हर एक स्टेप बताना पड़ेगा जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, तो उनको अभी होल्ड पर रख दो एंड हम आज सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा एंड सेकंड चैप्टर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी 9th क्लास का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं जो आपको करने को और देखने को मिलेंगी, सो उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। इट विल टेक सम टाइम, सेकंड चैप्टर को फिनिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस भी बहुत करेंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन होता उसमें भी। तो आप सेकंड चैप्टर ओपन कीजिए, मैं जस्ट 2 मिनट्स में आया हूं।